मेरे भाई इसको जरा तवज्जो दीजिए। ये क्या है आपका? अगर वीडियो बंद हो गया तो इसका मतलब क्या? आप तवज्जो भी बंद कर दो, सुनना ही बंद करो, इधर गौर करो, ज़हन और दिमाग में बिठाओ, कयामत के दिन इसका भी सख्त सज़ा, सख्त हिसाब होगा, याद रखना। शरीयत का कानून बता के चला जाऊं सरकार, ताजुश शरिया के अगर फतवे को मानने वाले हो, ताजुश शरिया को मानने वाले हो, खुदारा फतवा मान लो, वरना आखिरत में बहुत पछताना पड़ेगा। इस्लाम ना कभी हराम कारियों से फैला है ना कभी फैल 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 जुमला कड़वा है लेकिन सुन लीजिएगा, समझ गए आप? इन्ना अशद्दुन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामती अल-मुसव्विरून। सरकार फरमाते हैं कयामत के दिन सबसे सख्त अज़ाब उनको होगा जो फोटो खींचती और खिंचवाते हैं। अगर मुझ जैसा भी कोई आपको मिल जाए तो उसके इस अमल को जायज और हलाल मत समझना। ताजुश शरिया का फतवा है, हराम है, हराम है, हराम है। और जिन्होंने जायज का फतवा दिया था, सेल्फिया तो उन्होंने भी जायज नहीं रखी थी, टीपी तो उन्होंने भी जायज नहीं रखी थी, मगर याद रखना हक बजानिब ताजुश शरिया का फतवा है, हक बजानिब ताजुश शरिया ही है। इसलिए इस फतवे पर अमल करो, और अगर कसम खुदा की ताजुश शरिया के फतवे को दिल से लगाया होता तो कम से कम इस नौजवान के अंदर फोटो खींचने की आदतें दूर हो जाती, हमारे घरों में टेलीविजन की लतें ना होती, हमारे घरों में टीवियां ना होती, हमारे घरों में और हमारे मोबाइलों में ये बदकारियां ना होती, कम से कम एक खौफ दिल में रहता। ताजुश शरिया ने हराम कहा है हदीसों की रोशनी में, इसलिए याद रखो जो ताजुश शरिया का है वो ताजुश शरिया के फतवे पे अमल करेगा, वरना ताजुश शरिया की मोहब्बत झूठी है, दावा झूठा है। सच्चा वही होता है जो मुर्शिद के हाथ पर बिकने के बाद अपने आप को मुर्शिद के हवाले कर देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर। मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, मदरसा फलाह मिल्लत, मदरसा फलाह मिल्लत। मैं भी हूं तो मुकर्रर, आप देख लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कोई मेरी वीडियो नहीं मिलेगी, मगर जो वीडियो बनाने वाले हैं उनसे कम व्यूज भी नहीं मिलेंगे, सुनने वाले भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है, समझ गए आप? हुजूर कायदे मिल्लत ने बनारस की सरजमीन पर एक जुमला दिया था, अपने उलमा की नजर कर रहा हूँ, फरमाया अल्लामा इब्ने आबिदीन शामी के जमाने तक सारे सहाबा का अमली इजमा था कि यह हराम। और अगर तस्वीर में कोई खूबी होती तो सरकार अलैहिस्सलाम ने बुतों को तोड़ने के बाद खानाए काबा की दीवार पर जो तस्वीरें कुंदा की गई थी, मेरे सरकार अपने हाथ से उनको मिटाते नहीं बरकरार रात। इसका मतलब यह है कि कोई खूबी थी ही नहीं जो मुस्तफा उसको, खूबियां निकालने की बात करते हैं, कम से कम दो चार खूबी मुझे भी बता दे, मैं उनकी काबिलियत का इतराफ कर लूंगा और उनके मसाले को मान लूंगा। अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक दे। बात आ गई तो इस भाई की वजह से इतनी इल्मी बात आप तक पहुंचा दी गई। अल्लाह इनको भी सलामत रखे, आपको भी सलामत रखे।